देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़, सूखा तथा अन्य आपदा से पूर्व की तैयारियों की आज समीक्षा बैठक की और इस बैठक में सभी संबंधित विभाग के मंत्री और अधिकारी शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने बाढ़, सूखा तथा अन्य आपदा से लेकर उससे निपटने तक की दिशा निर्देश दिए हैं। तो आइए जानते हैं खबर को विस्तार पूर्वक। आपको बता दें कि बिहार में कई इलाकों में सुखाड़ पड़ता है तो वहीं कई जगहों पर भीषण बाढ़ की त्रासदी भी लोग झेलते हैं। बिहार में सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक बाढ़ की अवधि तय की है, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आला अधिकारियों की बैठक कार्य सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि इस बार बाढ़ की विविधता के बीच सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए सरकारी स्तर पर जो तैयारियां की जा रही है उसके लिए अब तक क्या कुछ उपाय किए गए हैं। बिहार सरकार इस साल बाढ़ से बचाव के लिए 1,000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च कर रही है। बाढ़ सुरक्षात्मक और कटाव निरोधक 271 से अधिक योजनाओं के लिए 617 करोड़ से अधिक की राशि खर्च कर रही है। साथ ही नेपाल भूभाग में बाढ़ बचाव कार्य के लिए 70 करोड़ से अधिक की राशि सरकार खर्च कर रही है। साथ ही आपको बता दें, जल संसाधन विभाग आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग कर रहा है, जिसके लिए बेफिक्रे ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिससे 3 से 5 दिन पहले नदियों के जलस्तर और मौसम से संबंधित सूचनाएं प्राप्त हो जाएगी, जिससे लोगों को अलर्ट किया जा सकेगा। बता दें, आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में इससे पहले भी कई बार बाढ़ और सुखाड़ को लेकर समीक्षा बैठक की गई है और समय समय पर मुख्यमंत्री अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते रहते हैं। सुखाड़ और बाढ़ को लेकर हाई लेवल बैठक में मुख्यमंत्री ने कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाए, आपदा प्रबंधन विभाग इसका अनुश्रवण करते रहे कि और क्या किया जा सकता है जिससे लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। हर चीज पर नजर रखनी है और सतर्क रहना है। सभी लोग मुस्तैदी के साथ लगे रहेंगे तो आपदा की स्थिति में लोगों की सहायता और राहत मिलेगी। हर घर नल का जल से लोगों को साफ और शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है, इससे भी मेंटेन रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला अधिकारी अपने अपने जिलों की स्थिति का आकलन करें, क्षेत्रों में जाकर वस्तु स्थिति की जानकारी ले, उसके अनुसार सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण रखें। राज्य सरकार बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति में सभी प्रभावितों को हर संभव मदद करती है, इसको ध्यान में रखते हुए संबंध विभाग और उनके अधिकारी सतर्क रहें। तो आपने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने बाढ़, सूखा तथा अन्य आपदाओं से पूर्व की तैयारियों को लेकर बैठक की और उसमें क्या कुछ कहा, अधिकारियों को तथा मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को भी सब्सक्राइब कर ले और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। धन्यवाद।